हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ जफर इकबाल, और देखने जा रहे हैं शौक सम्राट का एपिसोड का नेक्स्ट पार्ट। तो करते वीडियो स्टार्ट, उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं और करते वीडियो स्टार्ट। हमें गर्व है कि आप हमें अपनी माँ होने का सम्मान देते हैं बिंदुसार। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने अपने वत्सल ममता के योग की समझा है। जननी के असमय मृत्यु के उपरांत मैंने आपसे ही जाना है कि मां का अर्थ क्या होता, मां का प्रेम क्या होता। यदि किसी समय आपके लिए मेरे प्राण भी निछावर करने पड़े तो एक क्षण भी संकोच नहीं करेगा बिंदुसार। यदि आप ऐसे सोचते हैं तो हेलेना अपना दायित्व निभाने में सफल हुई है। मुबारक हो। आज आप सबकी हाजिरी में वीर खुरासन ये ऐलान करता है कि आज के बाद वीर खुरासन की अस्करी, वीर खुरासन का सारा असलखाना, मीर खुरासन का खजाना और मीर खुरासन की दुख्तर, हमारी बच्ची नूर पर मगध के अमीर बिंदुसार का हक होगा। सम्राट बिंदुसार की जय! 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 मगध का मलका बनेगा रानी नूर मौर्य। रानी नहीं बरादर, महारानी नूर मौर्य का। सिर्फ मगध की ही नहीं बल्कि मीर बिंदुसार के दिल की महारानी भी। बहुत सुंदर है, किंतु केवल इसलिए बिंदुसार इस विवाह के लिए तैयार नहीं है, बल्कि इसलिए कि ये विवाह मगध के हित में है। 500 जनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद अपना कोष और अपनी सेना मगध को दे रहा है। क्यों अमाते अग्रसेन, मैं सत्य कह रही हूँ? यथार्थ कहा आपने। सम्राट की रानियां तो अनेक होती है, तो महारानी बनने का, उनके उत्तराधिकारी की माता बनने का सौभाग्य केवल एक ही को प्राप्त होता है। निसंदेह महारानी चारुमित्रा, आप अत्यंत भाग्यशाली हैं कि सम्राट बिंदुसार के सबसे ज्येष्ठ पुत्र युवराज सुषेण की माता बनने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। क्या हुआ आचार्य? मौर्य वंश के रक्त में अब खुरासन के वंश का रक्त भी मिश्रित होगा। अर्थात सम्राट बिंदुसार का विवाह अपनी पुत्री के साथ साथ अपना सारा सैन्य बल, अस्त्र शस्त्र कोषागार सब कुछ खुरासन बिंदुसार को देने का निर्णय ले चुका है। तो क्या ये मगध के हित में नहीं? खुरासन धनी राज्यों में से है और उसकी सैन्य शक्ति भी बहुत अच्छी है, और यदि मगध को उसने नहीं 20वीं चाल को पहचानना सीखो राजागुप्त। खुरासन बहुत दूर है, मगध के सिंहासन पर दृष्टि है उसकी। वो अपनी पुत्री के माध्यम से मगध के सिंहासन को प्राप्त करना चाहता है। पहले यूनानी कम थे, अब ये फारसी आ गए।
फारसी। यदि ये विवाह होगा न केवल मगध का सैन्य बल कोषागार अपितु बिंदुसार की सेज पर भी खुरासन का वर्चस्व होगा। सम्राट बिंदुसार शिकार के लिए जा रहे हैं। जाओ जस्टिन, राज्य के कार्यों में योगदान दो। जस्टिन। अमात्य उग्रसेन, सम्राट बिंदुसार को शिकार में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। आप निश्चिंत रहिए, सम्राट की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा, उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा। ये वही वो आ गया। आ गया चाणक्य। प्रणाम आचार्य, उचित तो किया होता, आप पधारे हैं और मैं आखिर के लिए प्रस्थान कर रहा। शत्रु सर्वत्र है सम्राट, चारों दिशाओं से संकट घेरे हुए हैं, और आखेट के लिए आप ही नहीं और भी कोई आतु है, अर्थात लक्ष्य है मगध का सिंहासन। ये तो तभी संभव है जब कोई मेरे प्राण सुनकर प्रसन्नता हुई कि मेरा भी कोई शत्रु है जो मेरा अंत करने की इच्छा रखता है। परंतु यह शत्रुता इस बात का प्रमाण है कि मैं मेरे राज्य के प्रति कोई अच्छा कार्य कर रहा, मेरी प्रजा के प्रति मेरा दायित्व निभा रहा। आप निश्चिंत रहें, मगध की भाग्य रेखा इतनी भी छोटी नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा। आप राजभवन में विश्राम कीजिए, आखिर से लौटकर मैं आपसे भेंट करता हूं। आगे आ जाए। सामने यार चलाओ तीर। शीघ्र ही मेरा विवाह संपन्न होने वाला है, इस वरा का सेवन करके हम उसका उत्सव मनाएंगे। Oh, Lord, what?
बाकी फारसी पढ़ गया। यार बहुत एक गलत चीज़ हो गई है, लेकिन ये कि एक बिंदु साहब का उन्होंने एक शादी तो तय कर दिया है कि इस लड़की के साथ होगी, लेकिन जो एक चनाकिया है ना उनको जब एक ये चीज़ का पता चला ना वो सब कुछ एक चाल समझ गए थे, क्योंकि एक उनके पास इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा एक नॉलेज भी है जो चीज़ें एक इर्द गिर्द से चल रही हैं, लेकिन उसी वक्त ही उनको हर चीज़ मुझे लग रहा था कि जब वो एक शिकार पर है ना इधर कुछ ना कुछ उनके साथ है ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ना एक इजी होकर आ रहे थे, शिकार तो उन्होंने भाई कर लिया लेकिन एकदम से अटैक हुआ और एक मतलब कि सबको एक जो आदमी थे उनके साथ है उनको भी भाई एक उधर ही उनकी मृत्यु होगी, लेकिन अब ये इधर मतलब कि भाग कर आ गए, अब देखो आगे बचते हैं कि नहीं, अभी तो भाई वो गिर गए पानी में। नहीं बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन देखो ना एक बिंदु सर का एक स्टार था और अभी उनको इस चीज़ का नहीं लग रहा था कि कोई उनका दुश्मन है, लेकिन जैसे ही भाई वो जो फारसी है ना उन्होंने एंट्री मारी, जिस तरह वो कह रहे थे यूनानी पहले ही थे अब फारसी भी आ गए, और उसने जो एक चाल क्योंकि एक लग रहा था जैसे वो नूर लड़की आई है ना उसने मतलब एक आके मतलब एक वो मुझे तो वो गोरी पर शक हो रहा है, वो गोरी बार नहीं वो दूसरी लड़की जो आई है ना उसने कुछ किया होगा जिसके साथ शादी तय की है। चलो ये तो आप आगे जाके पता चलेगा, लेकिन ये कि भाई बहुत ही काम खराब हो गया जो उनको तीर लग गया, लेकिन गिर गए आप देखो बाकी सेना जो है ना उनकी वहां पे उनको मार दिया गया, लेकिन अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय टेक।